हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैंडिडस्केप। आजकल रिसेंट में इतने सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं कि घर पे बैठने का तो मन ही नहीं कर रहा। अब अंबानी की शादियों में दिलजीत की परफॉर्मेंस हो या कोचेला में बिली आइलिश की, कॉन्सर्ट्स एंड म्यूजिक फेस्टिवल्स अटेंड करने का तो कुछ मजा ही अलग होता है। इसलिए तो कह रही हूँ, अगर आप ऐसी ही किसी प्लेस पे ट्रैवल करने वाले हो जहाँ हाल ही में कोई म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है, तो जाओ और जरूर जाके अटेंड करो और वाइब करो। और अगर इन फेस्टिवल्स के बारे में नहीं पता तो डोंट वरी, हम है ना। चलिए तो मैं आपको इसी बात पे बताती हूँ दुनिया के 10 बेस्ट एंड मोस्ट फेमस म्यूजिक फेस्टिवल्स के बारे में और ये कहाँ कहाँ हेल्ड होते हैं। बट उससे पहले आपको आपके फेवरेट म्यूजिक आर्टिस्ट की कसम, फटाफट गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पहले नंबर पे है कोचेला। लाना डेल रे और बिली आइलिश की ये फेमस फुटेज तो आपको याद ही होगी, जो इन दिनों इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हुई। ये फुटेज है द फेमस म्यूजिक फेस्टिवल कोचेला की। कोचेला एक दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है, जो सदर्न कैलिफोर्निया के कोचेला वैली में अप्रैल के 3 दिनों तक चलता है। यहाँ पॉप से लेके इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक तक सब देखने को मिलता है। ये फेस्टिवल पहली बार 1999 में हुआ था एंड तब से एवर ग्रोइंग है। संगीत के अलावा कोचेला अपनी बोहेमियन इंस्पायर्ड फैशन के लिए भी मशहूर है, जहां पर लोग आते हैं रंग बिरंगे कपड़े और एक्सेसरीज के साथ, जो फेस्टिवल की फ्री स्पिरिटेड वाइब को दिखाते हैं। दूसरे नंबर पे है टुमारोलैंड। टुमारोलैंड एक इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल है जो बूम बेल्जियम में होता है। ये फेस्टिवल अपने बड़े बड़े स्टेज डिजाइन, वर्ल्ड क्लास डीजेस एंड प्रोड्यूसर्स के लाइनअप और अक्टूबर फेस्ट जैसे एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, जो डांस एंड म्यूजिक के फैंस को साल भर वापस आने के लिए उकसाता है। टुमारोलैंड फेस्टिवल 2005 में स्टार्ट हुआ था और कुछ बड़े नाम जो इस फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुके हैं उनमें से है आर्मिन वैन ब्यूरन, स्टीव आयोकी, मार्टिन गैरिक्स, डिमिट्री वेगस एंड लाइक माइक, डिप्लो, कार्ल कॉक्स एंड शार्लेट डेविट। तीसरे नंबर पे है एसेंस फेस्टिवल। एसेंस फेस्टिवल हर साल न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना में अफ्रीकन अमेरिकन संगीत, संस्कृति और समुदाय का जश्न मनाता है। ये 4 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल, जो आमतौर पर 4th of July के वीकेंड पर होता है, 1995 से शहर के सांस्कृतिक कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। एसेंस फेस्टिवल ने संगीत इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों को अट्रैक्ट किया है। हाल ही में जैनेट जैक्सन, निकी मिनाज और जैस्मिन सुलेमान जैसे मुख्य परफॉर्मर्स स्टेज पर आए हैं। इसके अलावा फेस्टिवल अलग अलग खास इवेंट्स का भी आयोजन करता है, जैसे कि एनुअल एसेंस एम्पावरमेंट एक्सपीरियंस। चौथे नंबर पे है सिगेट फेस्टिवल। ये एक 6 दिन का म्यूजिक और आर्ट्स फेस्टिवल है, जो बुडापेस्ट के डान्यूब नदी में स्थित 266 एकड़ के ओबुडा आइलैंड पर होता है। ये फेस्टिवल संगीत, कला और संस्कृति का एक जश्न है और ये यूरोप का एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है, जिसमें 2023 में लगभग 4,50,000 यात्री आए थे। रिसेंटली इस फेस्टिवल में डुआ लिपा, किंग्स ऑफ लियोन, एलन वॉकर, नीना क्रेविस, एलिस इन वंडरलैंड, टेम इम्पाला और आर्कटिक मंकीज जैसे सिंगर स्टेज पर आए हैं। म्यूजिक के अलावा इस फेस्टिवल में आर्ट एग्जीबिशंस, थिएटर, सर्कस परफॉर्मेंसेस एंड फिल्म स्क्रीनिंग्स भी होती हैं। पांचवें नंबर पे है समर फेस्ट। ये हर साल मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में आयोजित होता है। पहली बार ये इवेंट 1968 में हुआ था और तब से ही ये यहाँ के लोगों के लिए एक मोस्ट लव समर ट्रेडिशन बन चुका है। ये फेस्टिवल 11 दिनों तक चलता है और हेनरी मेयर फेस्टिवल पार्क में स्थित है, जो लेक मिशिगान के किनारे पर है। समर फेस्ट में परफॉर्म कर चुके कुछ बड़े नाम जैसे लिल वेन, विस खलीफा, मशीन गन केली, एवर लवीन, हैल्सी और बैक स्ट्रीट बॉयज ने इस फेस्टिवल में अपनी परफॉर्मेंसेस से यहाँ की वाइब में 4 चांद लगा दिए थे। छठे नंबर पे है रॉक एंड रियो। ये एक बड़ा पाके द बेला विस्टा म्यूजिक फेस्टिवल है, जो रियो डे जेनेरो ब्राजील में होता है। ये फेस्टिवल पहली बार 1985 में शुरू हुआ था और उसके बाद लिस्बॉन, मैड्रिड और लास वेगस में भी इसके एडिशन शामिल हुए थे। इस फेस्टिवल में म्यूजिक के कुछ बड़े नाम परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे कि जस्टिन बीबर, डुआ लिपा, डेमी लोवाटो, पोस्ट मलोन, जेसन डेरुलो, कोल्ड प्ले, कैमिला कैबेलो, मेगन दी स्टैलियन, रीटा ओरा, फॉल आउट बॉय और ग्रीन डे एंड और भी बहुत सारे। चलो बात करते हैं ग्लास्टनबरी म्यूजिक फेस्टिवल की, जो दुनिया भर के सबसे आइकॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक है। ये हर साल समरसेट इंग्लैंड के वर्दी फार्म में होता है और इसी टाइम पर नीबा स्की रिजॉर्ट में होस्टेड फ्यूजी रॉक फेस्टिवल भी होता है। ग्लास्टनबरी फेस्टिवल का आरंभ 1970 से हुआ था और ये दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स के लिए एक होली प्लेस बन चुका है।
ये 5 दिन तक चलता है और हर साल 2 लाख से भी ज्यादा ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। ग्लास्टनबरी में कुछ बड़े बड़े सिंगर्स स्टेज पर आ चुके हैं, जैसे कि बियॉन्से, बॉब डायलन, डेविड बोई, रेडियोहेड, अडील, जेजेड, कान्ये वेस्ट, कोल्ड प्ले और कई और। नाउ लेट्स कम टू ड्रीमविल म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि एक नया म्यूजिक फेस्टिवल है और इसका फर्स्ट इवेंट 2018 में राली नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। अपनी छोटी सी हिस्ट्री होने के बावजूद ये फेस्टिवल कंपैरेटिवली काफी जल्दी ग्रो हो चुका है, एंड स्पेशली अपने शानदार लाइनअप ऑफ आर्टिस्ट की वजह से, जैसे कि कई हिप हॉप आर्टिस्ट और रैप आर्टिस्ट। एंड इसी वजह से ये फेस्टिवल इन जॉनर्स के फैंस के लिए एक मस्ट अटेंड इवेंट बन चुका है। ड्रीमविल में कई सिंगर्स जैसे कि जे कोल, ड्रेक, केंड्रिक लमार, 21 सैवेज, SZA, बिग शॉन, ये सब आ चुके हैं। भाई अब बात करते हैं प्राइमावेरा साउंड म्यूजिक फेस्टिवल की, जो हर साल बार्सिलोना स्पेन में होता है और यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है। ये 2001 में शुरू हुआ था और तब से इसकी पॉपुलैरिटी में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस फेस्टिवल में इंडी, रॉक और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का अलग अलग लाइनअप होता है, जिसमें संगीत इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं, जैसे कि ब्लर्स, डिपेच मोर, रोजलिया, हालसी, कैल्विन हैरिस, डार्क साइड, कोस, बेबी कीम, पोर्टेट, कैरोलिन पोलाचेक, ट्रेविस स्कॉट और सेंट विंसेंट एक्सेट्रा। एंड लास्टली आते हैं हमारे 10th म्यूजिक फेस्टिवल पे, जो की है ग्रीन मैन फेस्टिवल। क्या आपने ग्रीन मैन फेस्टिवल के बारे में सुना है? ये 2003 में शुरू हुआ था और तब से यूके के सबसे प्यारे फेस्टिवल्स में से एक बन चुका है। यहाँ म्यूजिक की पूरी रेंज मिलती है, फोक, इंडी, रॉक और इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ। पिछले साल फ्लीट फॉक्सेस, पीजे हार्वी, न्यूट्रल मिल्क होटल और सेंट विंसेंट जैसे बड़े बड़े नामी सिंगर्स ने यहाँ परफॉर्म किया था। ग्रीन मैन फेस्टिवल इतना ऑसम इसलिए है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी और वेल्च कल्चर को प्रमोट करने पर फोकस करता है। ये फेस्टिवल रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है और इसके इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के लिए ये कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुका है। तो ये थे वो टॉप 10 म्यूजिक फेस्टिवल्स जो दुनिया भर के लोगों को अपने रंग में रंग रहे हैं। अब जब ऐसा एक्सपीरियंस हो जहां आइकॉनिक आर्टिस्ट से लेके तमाम तरह के आर्ट इंस्टॉलेशंस हो, तो यहां जाने का फन कैसे मिस आउट किया जाए? बस याद रखिए कि पहले से अपना स्केड्यूल प्लान आउट कर लो, फेस्टिवल्स के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखो और भीड़ की धक्का मुक्की से खुद को बचा के रखो। बाकी तो आप सब समझदार हैं ही, सो पैक योर बैग्स एंड सेट योरसेल्फ ऑन अ न्यू जर्नी। हम आपको मिलेंगे अब अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड हैप्पी लिसनिंग।